हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर फ्री रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म। सो यू कैन सी कंप्लीट जैसे सीरीज इन जावास्क्रिप्ट इस प्लेटफॉर्म पे आ रही होगी। तो आज मैं अरे चैप्टर कवर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे के ऑल चैप्टर्स के लिस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दी थी। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा और वहाँ से आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो अरे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अरे को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ अरे का एक क्वेश्चन पाएंगे ही पाएंगे, राइट? सो लेट्स गो टू कंटिन्यू द सेक्शन। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली व्हाट इज एन अरे एंड अरे का यूज़ क्यों करते हैं। एडवांटेज देख रहे होंगे और अरे को डिफाइन करेंगे एंड द लास्ट में हम अरे के इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख रहे होंगे एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। सो नेक्स्ट व्हाट इज एन अरे। अरे इज बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके, एंड डेट कलेक्ट एलिमेंट ऑफ द सेम डाटा टाइप एंड कॉन्टिजियस एंड एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। अरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कलेक्ट करता है सेम एलिमेंट को एंड कंटिन्यूस वे में, राइट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अरे वर्क एंड इंडेक्स सिस्टम। इंडेक्स सिस्टम बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एन माइनस वन एंड बेसिकली यहाँ पे होती है अरे की लेंथ, राइट? यहाँ पे अरे की लेंथ होती है एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। बेसिकली एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लाइक 2, 3, 4, 5 एंड 2 इन दिस वे, ओके। एंड द नेक्स्ट इज व्हाई यूज अरे। बेसिकली अगर हम कहें कि आपके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट उसे स्टोर करना है, अगर आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे होंगे तो आप कुछ इस तरह स्टोर कर रहे होंगे जो कि मच कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे स्टूडेंट वन, ये एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, फिर उसकी वैल्यू दोगे जो कि है सफ़र। स्टूडेंट टू, एक वेरिएबल डिफाइन करोगे और उसकी वैल्यू दे रहे होगे जो कि यहाँ पे है अमन। एंड स्टूडेंट थ्री, जो एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे होगे और उसकी वैल्यू दोगे जो कि होगी एक जो कि यहाँ पे है एक सेफ, राइट? सो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू डिफाइन करेंगे, अगर सपोज मैंने 1000 स्टूडेंट की लिस्ट दे दी तो आप इसे किस तरह से इस डिफाइन करेंगे तो मच कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे को सॉल्व करने के लिए हम अरे का यूज करते हैं। होप यू गॉट इट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ द अरे। अरे रिप्रेजेंट मल्टीपल डाटा एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप यूजिंग अ सिंगल नेम। सो जैसे मैंने प्रीवियस अभी वो स्लाइड में बताया था कि एक ही अरे में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं लाइक 2, 3, 4, 5 एंड 2। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एन अरे कैन बी ट्रेवर्स इजली। हम अरे को यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रेवर्स कर सकते हैं एंड अरे अलाउज रेंडम एक्सेस टू एलिमेंट। एंड रेंडम एक्सेस का सेंस यहाँ पे यह है कि जैसे मैंने हमारा एक अरे डिक्लेयर किया हुआ है, राइट? एंड जैसे यहाँ पे जियो इंडेक्स पे 2 वैल्यू दे रखी है एंड द लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू 2 दे रखी है, तो जितना टाइम फर्स्ट इंडेक्स लेगा उतना ही टाइम लास्ट इंडेक्स लेगा वैल्यू को फाइंड करने में। सो दिस इज द रेंडम एक्सिस। एंड द नेक्स्ट इज मल्टीपल डायमेंशनल। सो मल्टी डायमेंशनल बेसिकली अरे कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स थिंग्स। जब हम 2D या 3D चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे, राइट? एंड द डिफाइन एन अरे। सो अरे को डिफाइन करने से पहले हम इसके बेसिक चीज देख लेते हैं। एक अरे हमारा दिया हुआ है जो कि अरे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एलिमेंट दे रखे हैं अरे में और अरे का इंडेक्स भी दे रखा है। तो अरे के जितने भी अंदर वैल्यूज दे रखे हैं बेसिकली दीज आर ऑल एलिमेंट्स एंड हेयर इनके जो एबो ब्लो में आप देख रहे हैं जैसे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट, जैसे 1 लिखा 0 लिखा हुआ है, ये सब क्या है, इंडेक्स हैं अरे के, इंडेक्स है, यू कैन सी इजली, ठीक है? आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। सो जीरो इंडेक्स 0 पे हमें वैल्यू 2 प्राप्त हो रही होगी एंड इंडेक्स 1 पे हमें वैल्यू 4 प्राप्त हो रही होगी इस अरे में, ना कि सब अरे में। यह तुम्हें समझ मतलब एक्सप्लेन ये आपको समझ समझ के चलना है, ठीक है? जैसे इंडेक्स 2 पे है यहाँ पे वैल्यू हमें इस अरे में 10 प्राप्त हो रही होगी और यहाँ पे जो 3 है इंडेक्स पे 5 प्राप्त हो रहेगी एंड सो ऑन। एंड अब इसे हम VS कोड में समझ लेते हैं कि और मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट्स गो इन VS कोड। हम VS कोड में आ गए हैं तो फर्स्ट में पहले मैं अरे को डिक्लेयर करूँगा, लेट पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा लेट अरे।
नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें हम अरे एक ब्रैकेट लगे, इसमें अरे की वैल्यू डिफाइन कर रहे होंगे, 2, 2, 3, 4, 4, ओके 34, 51 एंड वाट एवर यू स्टोर देयर 90। एंड हमने एक अरे को इनिशियलाइज कर दिया बिगिनिंग में, राइट। अब इसमें प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ, लेट कंसोल डॉट लॉग अरे। सो सिंपली सो आप देख सकते हैं कि जो वाट एवर मैंने एबव में डिफाइन किया था, यहाँ पे सिंपली आउटपुट में हमें मिल रहा है अरे, राइट। और अरे अब हमें ये तो फर्स्ट वे हो गया अरे को इनिशियलाइज करने के लिए, एंड हम सेकंड वे से देख रहे होंगे कि अरे को हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड वे से हम कुछ इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे होंगे। पहले मैं इसे कमेंट आउट कर सकता हूँ कंट्रोल स्लैश बटन, एंड द नेक्स्ट वन इज लेट अरे इक्वल टू, आप कुछ सेकंड इस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे। एंड अरे बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से, एंड 0 पे हमारी वैल्यू होगी 12, एंड अरे 1 पे वैल्यू होगी हमारी 22, अरे 3 पे हो अरे 3 पे अरे 012 पे होगी हमारी वैल्यू 10। एंड अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग अरे। सो हमें ये क्लियरली आंसर दे रहा होगा, राइट। आउटपुट हमें आउटपुट हमारा लाइक जैसे मैंने अबव ऊपर वाला डिफाइन किया था, सेम एज ही मुझे प्रिंट करके दे रहा है नीचे वाला मतलब ब्लो सेकंड अरे, राइट। सो थर्ड वे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कमेंट आउट अगेन लेट अरे इक्वल टू न्यू अरे एंड हेयर अरे वन अरे जीरो अरे बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ सफर एंड नॉट कॉमा अरे वन, वन पे स्टोर कर रहा हूँ शून्य, एंड अरे टू पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं राइट। एंड मैं इसे सिंपली प्रिंट करके देखता हूँ, एंड सिंपली इट इज प्रिंटिंग मी फाइन, राइट। सो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, सेकंड वे में इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड थर्ड वे में इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अरे के इंडेक्स वैल्यू कैसे डिफाइन कैसे प्राप्त करोगे, तो बेसिकली अरे की लेंथ प्राप्त करने के लिए हमें डॉट लेंथ लिखना होगा, उसकी लेंथ प्राप्त हो जाएगी फर्स्ट अरे डॉट एल ई एन जी टी एच सिंपली। तो हमें इस अरे की लेंथ 4 प्राप्त हो गई है, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4 अरे बेसिकली 4 लेंथ का है, हमें लेंथ 4 प्राप्त हो गई है। और इंडेक्स लेट्स कम टू द स्लाइड, तो आप देख सकते हैं कि अरे है, अब इसको जीरो से जीरो इंडेक्स पे वैल्यू अरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से जाता है एन माइनस 1 तक, राइट। सो तो अब इस इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्प्लेक्स थिंग्स बताऊंगा कि अरे के इंडेक्स वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, एलिमेंट को कैसे प्राप्त करेंगे, इन्हें कैसे ट्रेवर्स करेंगे, वाट एवर, ओके। सो कम टू द स्लाइड एंड द लास्ट थिंग इज इंटर क्वेश्चन देखेंगे, कैन वी चेंज द साइज ऑफ एन अरे एट रन टाइम। आपको बताना है, अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं फाइंड कर पाते हैं तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मिल रहे होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ यू डोंट इनिशियलाइज एन अरे व्हाट विल हैपन, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इन एन अरे, ओके। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अरे एंड डाटा स्ट्रक्चर, and bas today's that's all about today, and thank you all guys, see you, have a nice day.